नमस्कार, एसके सांगो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौर। आज हमारा पहला बुलेटिन है और हम आशा करते हैं ये आपको पसंद आएगा। हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि सांगो तहसील से जुड़ी प्रमुख खबरें आपके सामने सटीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से, उस खबर के साथ जिसने तमाम राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आम लोगों की ज़िंदगी में भी काफ़ी अफरा तफरी मचाई हुई है। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। आज नोटबंदी को लागू हुए पूरे 50 दिन हो गए हैं। आइए जानते हैं नोटबंदी के 50 दिन बाद कैसी स्थिति है सांगोत के बैंकों की। आठ नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी का फैसला लागू किए जाने के बाद से ही बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। आज नोटबंदी के 40 दिन बाद भी बैंकों के बाहर लाइनें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, यह है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर की सांगोद ब्रांच का, जहां नोटबंदी के 40 दिन बाद भी लोगों की लाइनें वैसी ही है जैसी 8 नवंबर के बाद से लगातार देखने को मिल रही है। लोग सुबह 7 बजे ही बैंकों के आगे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, जबकि बैंक खुलने का समय प्रातः 10 बजे का है। पुराने नोट बैंक में जमा करवाने की तारीख भी अब नज़दीक आ रही है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि लोगों को बैंक की लाइन से कब तक निजात मिल पाती है। कैमरामैन लोकेश राजौरा के साथ विवेक बालोदिया, एसके सांगो न्यूज। नोटबंदी का फैसला सही है या गलत, इसका विश्लेषण तो 31 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। कई बड़े कस्बों एवं गांवों को अपने आंचल में समेटे, लोगों को पुण्य अर्जित करवाती उजाड़ नदी की कोख अब मैली हो चली है। सांगोद उजाड़ नदी में जगह जगह मिल रहे नालों ने इसको इस प्रकार प्रदूषित कर दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने उजाड़ नदी का नाम देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में शामिल कर लिया है। वैसे तो नगर पालिका ने उजाड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कई बार मुद्दे उठाए हैं व राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेजे गए हैं, लेकिन अभी भी उजाड़ नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कोई क्रिया योजना नहीं बन पाई है। कल कल बहती पानी की धारा और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ हजारों जलीय जानवरों के अस्तित्व को अपने आंचल में समेटे उजाड़ नदी। कभी लोग इसे माँ अन्नपूर्णा के नाम से संबोधित करते हैं तो कभी माँ उजाड़ेश्वरी के नाम से इसकी पूजा करते हैं, लेकिन अब उजाड़ नदी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। नदी में मिल रहे नाले इसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा बने हुए हैं। सांगोद कस्बे से निकल रही उजाड़ नदी में जगह जगह दर्जनों छोटे बड़े नालों के जरिए कस्बे की सारी गंदगी नदी के पानी में मिल रही है। नदी में जल प्रवाह के दौरान तो यह गंदगी बहकर आगे निकल जाती है, लेकिन पानी का वेग थमने के बाद सारी गंदगी नदी के तटों पर जमा हो जाती है, जिससे नदी का पानी पीने लायक तो दूर, नहाने धोने के लायक भी नहीं रहता। जितने भी गंदे नाले जो नदी के अंदर जाके मिलते हैं, इन पर सोखता गड्ढा बनाने का विचार नगर पालिका का है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में नमी होने के कारण प्रायोगिक तौर पे पहले एक सोखते गड्ढे का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि भाई मिट्टी के अंदर ही पानी रिसता है कि नहीं रिसता है। इसका निर्माण अभी सोखते गड्ढे का अपने मुक्ति धाम में करवाया जाएगा, बड़े नाले पर। अगर उसका पानी उस मिट्टी में रम जाता है और वो पानी वहीं पे सूख जाता है, तो उसके देखते हुए फिर सभी नालों के ऊपर सोखता गड्ढे का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे जितने भी प्रदूषित नाले हैं वो नदी में जाकर ना मिलें और उजाड़ नदी के प्रदूषण को रोका जाए। उजाड़ नदी का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। शादी ब्याह की रस्में हो या मंदिरों में देव प्रतिमाओं का स्नान या फिर अन्य धार्मिक कार्य, बिना नदी के पानी के संपूर्ण नहीं होते। डोल यात्रा एकादशी पर कस्बे में निकलने वाले सभी मंदिरों के देवी मानों को यहाँ लाकर पूजा अर्चना की जाती है।
तथा मुस्लिम समाज के मुहर्रम पर भी यहां ताजियों को ठंडा करने लाया जाता है। कैमरामैन LD सुमन के साथ हेमंत सुमन, SK सांगवान न्यूज। जिस नदी को माँ का दर्जा दिया हो उसकी ऐसी हालत कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है। कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला सांगोद पंचायत समिति के ग्राम कुराड़िया में, जहां एक गाय ने एक साथ 3 बछड़ों को जन्म दिया। कहते हैं कि प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। प्रकृति कब अपना कौन सा रूप हमें दिखा दे यह कोई नहीं जानता। प्रकृति का कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला सांगोद पंचायत समिति के ग्राम कुराड़िया में, जहां एक गाय ने 3 बछड़ों को एक साथ जन्म दिया और तीनों बछड़े एकदम स्वस्थ हैं। वह गाय भी सामान्य अवस्था में है। प्रकृति कई बार हमें ऐसे रूप दिखाती है जिन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। राजकीय काशीपुरी स्वास्थ्य केंद्र सांगोद में गुरुवार को RMRS की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई प्रकार के मुद्दों पर चर्चा हुई व कई निर्णय लिए गए। यहां राजकीय काशीपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को RMRS की बैठक पालिका अध्यक्ष देवकी नंदन राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं में विस्तार को लेकर कई प्रस्ताव लिए गए। बैठक में OPD एवं IPD में मरीजों को दी जा रही पर्ची का शुल्क प्रतिदिन कर्मचारियों द्वारा बैंक खातों में जमा करवाने तथा उनका मिलान रोगी रजिस्टर से करने तथा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव लिया गया। 1 जनवरी के से यहां मरीजों को कंप्यूटराइज्ड पर्ची दी जाएगी। बैठक में अस्पताल भवन की निगरानी एवं सुरक्षा के लिहाज से बैठक में CCTV कैमरा लगवाने का प्रस्ताव भी लिया गया। बैठक में सोनोग्राफी सुविधा को लेकर भी चर्चा हुई। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर OP सामर ने बताया कि सोनोग्राफी सुविधा के लिए पूरी तैयारी है, मशीन आते ही सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बैठक में एक कक्ष का चयन कर जरूरी सुविधाएं जुटाने तथा अस्पताल से निकलने वाली गंदगी के समुचित निस्तारण के लिए मशीन खरीदने के लिए जिला अधिकारियों से मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव लिया गया है। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा, काशीपुरी हिंदू जनता ट्रस्ट अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह हाड़ा, पार्षद राजेंद्र शर्मा, भाजपा देहान जिला कोषाध्यक्ष दिलीप गर्ग, पार्षद प्रदीप सोनी, डॉक्टर शंकर पुष्वानी आदि मौजूद थे। गुरुवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सांगोद व कनवास के निजी स्कूल संचालकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन डाटा पोर्टल पर मांगी जा रही बार बार जानकारियों के विरोध में उपखंड कार्यालय व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रारंभिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन डाटा पोर्टल में मांगी जा रही सूचनाओं के विरोध में गुरुवार को यहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सांगोद व कनवास के निजी स्कूल संचालकों ने अपना विरोध जताया। उपखंड कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व आयोजित बैठक में सांगोद ब्लॉक अध्यक्ष कीर्तिवर्धन शर्मा ने बताया कि कई बार शिक्षा विभाग ऐसे प्रशासनिक आदेश जारी कर देता है जो विधि विरुद्ध और संस्थाओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले होते हैं। अभी हाल ही में डाटा पोर्टल भरने के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। भारत सरकार ने 24 जुलाई को आदेश जारी किया जिसमें केवल छात्रों से संबंधित डाटा मांगा गया। अब प्रारंभिक शिक्षा परिषद विद्यार्थियों से जुड़ी कई अन्य जानकारियां भी मांग रही है। निजी स्कूल संचालकों ने पूर्व में इसके लिए मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन अधिकारी पोर्टल भरने के लिए दबाव बना रहे हैं। कनवास ब्लॉक अध्यक्ष भंवर सिंह, प्रभारी महेश माहेश्वरी, सेक्टर प्रभारी दिलीप जैन आदि ने कहा कि जिस पोर्टल में विभाग जानकारी मांग रहा है उसमें कई विसंगतियां भी है जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इस मौके पर कृष्णकांत गौतम, डॉक्टर अशरफ बेग, राजेंद्र गहलोत, मुबारक हुसैन, धन्नालाल गोचर, KK गर्ग, श्याम राठौर, ब्रज गोपाल मेड़तवाल, वृद्धिलाल रावल, द्वारका लाल मेहता आदि मौजूद रहे।
24 दिसंबर से सांगोद में शुरू होने वाली राजस्व विभाग की खेलकूद प्रतियोगिताओं की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू होने लगी है। यहां 24 दिसंबर से शुरू होने वाली राजस्व कर्मचारियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू होने लगी है। एक सप्ताह शेष रहते अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में जिले भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे, जिनके खाने पीने ठहरने समेत सारी व्यवस्थाएं यहां की जाएंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ 24 दिसंबर को महाराव भीम सिंह स्टेडियम में होगा। शनिवार को कोटा से आए जिला स्तरीय खेल समितियों के प्रतिनिधियों के साथ SDM लहरी कुमार जैन, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापत समेत अन्य अधिकारियों ने स्टेडियम का अवलोकन किया तथा यहाँ की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। प्रतियोगिता में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, रस्साकसी समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापत ने बताया कि प्रतियोगिताओं में जिले भर के राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। उनके रहने एवं अन्य सारी व्यवस्थाएं यहां जौलपुर रोड स्थित किरार समाज की धर्मशाला में रहेगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अतिथियों के नामों पर चर्चा चल रही है। प्राथमिकता जिले के प्रभारी सचिव आलोक कुमार की है, जिनसे प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए समय मांगा गया है। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किशनपुरा में खेल मैदान का अवलोकन किया। पूर्व मंत्री भरत सिंह ने शनिवार को यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किशनपुरा में खेल मैदान का अवलोकन किया। उन्होंने यहां साफ सफाई का कार्य देखा तथा यहां मैदान विकसित किए जाने की पंचायत की योजना से अधिकारियों को अवगत करवाया। अधिकारी शनिवार को यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जुंजार सिंह के निधन के बाद डांडस बंधाने आए थे। इससे पूर्व SDM लहरी कुमार जैन, तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापत, विकास अधिकारी देवकरण शर्मा व पंचायत समिति के सहायक अभियंता लक्ष्मण चंद मीणा कुंदनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री जुंजार सिंह को श्रद्धांजलि दी। बाद में पूर्व मंत्री ने उन्हें यहां खेल मैदान पर करवाए जा रहे विकास कार्यों का अवलोकन करवाया। पूर्व मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों में परेशानी होती है, इसके लिए खेल मैदान को सुविधा युक्त बनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ी यहां आकर खेल सके। इस मौके पर पटवारी सुरेश सुमन, उप सरपंच कृष्ण मुरारी सेन आदि मौजूद रहे। सांगोद बस स्टैंड की सूरत अब बदलनी सी लगी है। सांगोद बस स्टैंड पर इन दिनों कई प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। यहां बरसों से प्रशासन की उदासीनता झेल रहे काशीपुरी बस स्टैंड के दिन अब फिरने लगे हैं। परिसर में यात्री प्रतीक्षालय के साथ ही 4 दीवारी बनाने के बाद अब पूरे परिसर में CC निर्माण करवाया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से इन दिनों यहां 8 लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। इससे बस स्टैंड परिसर की दशा बदलती सी नजर आ रही है। पूरे परिसर में CC होने से बारिश में होने वाले कीचड़ की समस्या दूर होगी व यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। हाल ही नगरपालिका ने बस स्टैंड की व्यवस्थाओं में सुधार एवं सुविधाओं में बढ़ोतरी की कवायद शुरू की है। इससे पहले नगरपालिका की ओर से यहां यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया। इसके बाद आवारा मवेशियों का प्रवेश रोकने के लिए 4 दीवारी बनवाई गई। अब पालिका की ओर से यहां पूरे परिसर में CC का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे परिसर की सूरत बदलती सी नजर आ रही है। शनिवार को पालिका अध्यक्ष देवकी नंदन राठौर, पार्षद पंकज शर्मा, प्रदीप सोनी आदि ने निर्माण कार्यों का अवलोकन किया तथा कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सांगो तहसील से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ। अगर आप SK सांगो न्यूज पर किसी भी प्रकार की सूचना या सुझाव भेजना चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।